आर्मी की स्पेशल टीम आकर लेगी रॉकेट लॉन्चर नुमा बम को, इसकी जांच होगी। कालका के भारत नगर टगरा कलीराम गांव के समीप मिला था जिंदा बम। कालका शहर के गुग्गामाड़ी भारत नगर टगरा कलीराम गांव के समीप एक खाली प्लाट में मिले रॉकेट लॉन्चर नुमा बम को आर्मी की स्पेशल टीम जवान आकर अपने साथ ले गई है। इसकी बाद में जांच होगी। कालका की गुग्गामाड़ी भारत नगर कॉलोनी के समीप एक जिंदा बम मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया था। सूचना मिलते ही कालका थाना प्रभारी महावीर पुलिस दल बल के साथ पहुंचे, जिसकी बाद में सूचना आर्मी के जवानों को दी गई। यह घटना स्थल पर कालका से आर्मी के जवानों की टीम भी पहुंच गई थी, जिसकी बाद में गहनता से जांच पड़ताल का काम शुरू हो गया था। बाद दोपहर को आर्मी की स्पेशल टीम ने आकर रॉकेट लॉन्चर नुमा इस बम को कब्जे में लिया और उसे अपने साथ ले गई। इसकी गहनता से जांच पड़ताल की जाएगी। कालका थाना प्रभारी महावीर ने बताया कि इसकी जांच पड़ताल बारीकी से की जाएगी। यह बम यहाँ रिहायशी इलाके में कैसे आया, जांच के बाद आने वाली रिपोर्ट ही सारी असलियत खोलेगी। हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि भाई कोई बमनुमा चीज है टकरा कलीराम के किसी खाली प्लाट में, जिसपे हमारी पुलिस की टीम आई थी। हम यहाँ पे आए, हमने देखा है कोई ये कोई रॉकेट लॉन्चर का कोई बम लगता है, जिसके बारे में हमने यहाँ कालका में जो अपना मिलिट्री एरिया है वहाँ के अधिकारियों से बात की। उनकी टीम हमारे कहने पर यहाँ आई है, उन्होंने देखा है, वो कह रहे हैं हम आगे इसमें बात करेंगे, ये दूसरी टीम आएगी जो इसको डिस्पोज ऑफ करेगी।